थैंक यू फैमिली। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो हमारे यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज इस साल का आखिरी दिन है, 2023 का 31 दिसंबर है और हैप्पी न्यू ईयर है, तो हमें उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करनी है 12 o'clock सेलिब्रेशन के लिए। ज़्यादातर कुछ तो हम नहीं कर पा रहे क्योंकि वेडिंग है और एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, तो उसकी वजह से बहुत बिजी स्केड्यूल है। और उसके बाद फिर हमें ढोलकी लेके जाना है, तो उसकी भी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है। तो बस थोड़ा बहुत एन्जॉयमेंट करने के लिए मैं कुछ ना कुछ बना रही हूँ। मैं आज बनाऊँगी लबीशीरी और इसी में बिजली भी चली गई। मैं बनाऊँगी लबीशीरी और गोलगप्पे। तो लबीशीरी तो मैं अभी बनाती हूँ ताकि ठंडा हो जाए, और देखती हूँ कि गोलगप्पे बनाने का मुझे टाइम मिलता है या नहीं, क्योंकि आपको पता है चटनीज़ बनाने में काफ़ी टाइम लगता है फिर गोलगप्पे को। और ये मैंने सेवैया कलरफुल जो है तो वो बॉयल हो गया। छोटी सी सेलिब्रेशन थी, सोचा था कि मूवी नाइट कर ले और कुछ स्नैक्स वगैरह। केक मैंने ऑर्डर के लिए दे दिए और ये मेरी सेवैया पक गई। हाँ थोड़ी सी ज़्यादा पक गई, लेकिन चलो इट्स ऑल राइट। मैं इसको गैस बंद करती हूँ और फिर बाकी का काम स्टार्ट करती हूँ। जो जो इंग्रेडिएंट्स थे वो मैंने पहले से ही मंगवा लिए थे। और अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं ये वीडियो वेडिंग सीरीज़ से पहले अपलोड करूँ या बाद में, क्योंकि दूसरी शादी की वीडियोस हाफ में हैं, तो वो तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या डिसाइड करती हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लबीशीरी की रेसिपी आपके साथ मैंने पहले शेयर की भी है, खैर मैं दोबारा आपको थोड़ा बहुत बता दूंगी, मैं लिंक शेयर कर लूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो मेरी ये फेमस डिश है और ईद हो या जो भी हो तो मैं मस्ट बनाती हूँ। मेरी फैमिली वालों को भी ये डिश बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ भी ऐसा सच नहीं है वही जो हम कस्टर्ड बनाते हैं या सेवैया बनाते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा हम ट्रिकी अंदाज में कर लेते हैं, डेकोरेट कर लेते हैं, तो वो बहुत मज़े का लगता है। मिल्क मैंने डाल दिया है, तकरीबन 1.5 liter है। अब मैं इसमें डालूँगी शुगर, और अब मुझे इतना अंदाज़ा हो गया है रेंडमली एक स्मॉल बॉल, ये तकरीबन 1/4 cup होगा। मेजरमेंट आप साथ साथ में आप पे डिपेंड है कि आप ज़्यादा मीठा चाहते हैं या ज़्यादा मीठा नहीं चाहते। ठीक है, अब मैं इसको मिक्स करने के लिए स्पून निकालती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। शुगर डालने के बाद इसको मिक्स करती हूँ। सिंपल कस्टर्ड की रेसिपी है कि अब इसमें हम कस्टर्ड डाल देंगे और इसको बिल्कुल कुक कर लेंगे, लेकिन बात यह है कि आपको कस्टर्ड में सेवैया डालना होगा। यहाँ पे और कुछ नहीं है, बाद में फिर क्रीम्स वगैरह। ये मैंने मिल्क ले ली है, उसमें मैं ये बॉयल हो गया। बॉयल होने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी ये बेस जो मैंने बनाया था, मिल्क और रसून मिक्स कर लूँ। लेकिन इसकी कितने स्टेप से हम अंदाज़ा लगाएंगे। अच्छा, ये कलरफुल सेवैया मैंने बॉईल की थी, ये मैं इसमें डालती हूँ, हाफ डालती हूँ, फिर देखती हूँ इसकी थिकनेस को। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा यूटिलाइज़ कर लें, लेकिन यहाँ पे एक बात ख्याल में रखें कि अगर आप इसमें ये डाल रहे हैं ये सेवैया, तो यहाँ पे थिन होना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में जब रख लें फ्रिज में टंट के लिए तो फिर ये सेवैया के साथ जम जाते हैं, तो ज़्यादा थिक लगता है। डिपेंड करते हैं, हाँ उस वक्त आप फिर क्रीम डाल दें तो फिर ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी ये कस्टर्ड बन गया, थोड़ा सा ठंडा भी ये हो गया है। और ये मैंने एप्पल डाली है, एप्पल है मेरे पास। आपके पास जो भी फ्रूट्स हो, टिन वाले हो या वैसे हो, वो यूज़ कर लें। मेरे साथ पाइन एप्पल है, वो मैं टॉपिंग के लिए यूज़ करूँगी। और ये केक पीसेस है, ठीक है, केक पीसेस आप जो बाउल में डालेंगे कस्टर्ड को उसमें जो है तो वो आप
डाल दे केक पीसेस, ये ऑप्शनल है, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मज़ा करता है केक जब इस साथ में हो। और अच्छा, अब यहाँ पे जो है तो आपने क्रीम डाली है, मैं ये नेस्ले वाला यूज़ करूँगी। एक डालती हूँ, फिर टेक्सचर को देखती हूँ, अगर दूसरा डालना पड़े तो फिर मैं डालूँगी, वरना एज यूजुअल मैं जब बनाती हूँ तो एक भी काफ़ी होता है। मैं इसको फिर पूरा खाली करती हूँ। और ये मेरे साथ एप्पल है, आप कौन सा भी फ्रूट जो है तो वो यूज़ कर सकते हैं, और इस वक्त पे आप नट्स भी यूज़ कर सकते हैं इसके दरमियान, लेकिन कुछ बेस की वजह से मैं नट्स यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि सबको नट्स पसंद नहीं है। तो ये बस मैं खाली करके फिर आपसे मिलती हूँ। अब मैं इसे मिक्स करती हूँ, बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर इस वक्त आ जाएगा। क्रीम भी ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डाल दें तो फिर लबीशीरी का जो स्पेसिफिक टेस्ट आता है वो इसकी वजह से ही आता है, क्रीमी लुक। इस वक्त आप और फ्रूट्स भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहते हैं, और कोई सा भी क्रीम डाल सकते हैं इसमें फ्लेवर। हाफ कप पानी मैंने ली है, एज़ यूजल उस इस बॉक्स पे 2 पैकेट लिखा और 2 कप लिखा होता है, लेकिन मैंने 1.5 कप ली है। और गर्म पानी में ही मैं जेली डाल दूँगी और मिक्स कर लूँगी और फ्रिज में रख लूँगी, ठीक है। इस रेडी, अब मैं इसको डालती हूँ कस्टर्ड पे, ये सारा मैं इसमें फिलअप करती हूँ। हो गई रेडी, अब मैं इसको रखूँगी फ्रिज में ठंडा होने के लिए, और जेली भी बन गई वो भी फ्रिज पे रख दिया, डेकोरेट करूँगी मेरा। हाँ जी, तो ये लबीशीरी मैंने फ्रिज में रखी थी और ये बिल्कुल हो गई, जम गई, कोल्ड हो गई। और ये जेली मैंने बनाई थी, और ये कुछ मिठाई वगैरह या चमचम वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे साथ बड़ी मिठाई थी, मैंने स्मॉल पीसेस में कर ली, टोटली ऑप्शनल है, लेकिन ये आप मस्त करें, वरना इसके बगैर फिर इसकी टेस्ट जो है तो वो मज़े की नहीं आती। ये पाइनएप्पल टिन वाली मैं यूज़ करती हूँ, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके साथ अवेलेबल हो, ऑप्शनल है। बाय द वे, ये हमारे न्यू ईयर केक है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, क्यूट सा है, वो भी आ गया था। ये रात का वक्त है, मैंने ग्रीन चटनी बना ली है, इसको बस रैंडमली ही मैं पीसेस में करूँगी, क्योंकि टाइम कम है, मुझे फिर ढोलकी पे जाना। गुलाब जामुन है, ये रेंडमली मैं इसमें डालती हूँ। और ये लबीशीरी हो गए रेडी, बहुत ही यमी है। लेट नाइट सब बैठे थे, गपशप भी लगा रहे थे, और साथ में डोलकी की प्रिपरेशन भी कर रहे थे, वो इंशाल्लाह इसके बाद आएगा व्लॉग। और ये 12 बज गए और हम केक काटते हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट।